हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्लाइड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर की है ना, जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है आपका गॉस जॉर्डन मेथड। तो मैंने आपको कल एलयूडी कंपोजिशन बताया था, उसका वर्किंग रूल बताया था और उसके प्रॉब्लम्स बताए थे कि किस तरह से हम वर्किंग रूल के माध्यम से हम एलयूडी कंपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। एलयूडी कंपोजिशन आपका क्या था? डायरेक्ट मेथड था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गॉस जॉर्डन मेथड, जो क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है ना। चलिए इसका वर्किंग रूल समझते हैं और इसके बारे में इसका एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल, इसका फर्स्ट वर्किंग रूल कहता है कंसीडर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसीडर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा वो किस तरह का गिवन रहेगा आपका, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। इसका सेकेंड रूल क्या कहता है आपका, फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम एस सी इक्वल टू ए बी, यानी ए का मैट्रिक्स और बी की वैल्यू हम अगर एक साथ लिख देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। यानी इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करें, एक साथ कर दें, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड इसका जो स्टेप है, थर्ड स्टेप कहता है आपका ट्रांसफॉर्म सी, यानी जो ये सी है आपको इसको किसके फॉर्म में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म सी इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। नॉर्मल फॉर्म होता क्या है कि जो वो एक क्या होता है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। यानी उसके डायगोनल की मैट्रिक्स वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो जीरो। यानी ये क्या है आपका, एक नॉर्मल फॉर्म है ना। यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, किसके फॉर्म में चेंज करना है, नॉर्मल फॉर्म में। जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देंगे हम, तो गॉस जॉर्डन मेथड से हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। हम क्या करेंगे, इस सी यानी जो ये हमारा क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म चेंज करने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, एक क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यानी गॉस जॉर्डन मेथड हमारा क्या होगा, एक डायरेक्ट मेथड होगा। आइए इसका एक प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम के द्वारा हम देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। आई होप आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। कंसीडर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा आपका, ax equal to v के फॉर्म में, ओके। फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है, फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम, यानी जो हमारा ये गिवन सिस्टम दिया गया जो इक्वेशन है उसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है,
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे एक साथ करने पर वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, ट्रांसफॉर्म सी इनटू नॉर्मल फॉर्म, यानी जो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म यानी हमें पूरे मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस नॉर्मल फॉर्म में, है ना। फिर इसके बाद इस नॉर्मल फॉर्म को हम क्या करेंगे, जब आ जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, आइए इसका एक प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम है आपकी 6x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर है आपका 10x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 18। ओके सॉरी यहाँ 19 होगा। आपका ये गिवन सिस्टम आप कैसे रहिए, आपको इक्वेशन दिया गया है। एक चीज आपको इसमें और ध्यान करनी है कि जब हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स का कोफिशियंट होगा, है ना, जो एक्स का कोफिशियंट हो वो क्या होना चाहिए, 1, क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 उसको बनाना पड़ेगा, है ना। अब इस तीन हमारे पास कितने इक्वेशन है, 3, है ना, एक ये, एक ये, एक ये। अब इस इक्वेशंस में हम देखेंगे किसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा वो, फर्स्ट। यानी हम सेकंड इक्वेशन में देख रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, एस ये आपका नीचे आ जाएगा और इट इज जैसा है ये वैसे ही रहेगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर given system as c equal to ab, है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, augmented matrix, यानी a की value और b की value को हम एक साथ लिखने पर ये जो हमारा क्या है equation है ये क्या कहलाएगा, augmented matrix कहलाएगा, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें x का जो coefficient होगा उसको हम पहले लिखेंगे, है ना। तो c कॉम इक्विवेलेंट 1 1 1 1 1 1, है ना, 1 1 1। इसके जो सामने b की वैल्यू क्या है, 9 है, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9। फिर देखिएगा, फिर ऐसे एज लिख दीजिए आप, -1 1, इसकी वैल्यू क्या है, 13। फिर देखिए उसके बाद क्या है, थर्ड इक्वेशन आपका 10 1 -1 और ये आपका 19, है ना। इसको क्या कर दिए आप, ऐसे कर दीजिए, ओके, ये हमारा, ये इतना क्या है, ए की वैल्यू है, है ना, यहां से लेके यहां तक का मैट्रिक्स जो है वो क्या कहला रहा है आपका, ए। और जस्ट इस स्ट्रेट लाइन के बाद जो इधर है 9 13 और 19, यानी एक कॉलम के फॉर्म में है, वो किसकी वैल्यू है आपकी, बी की। यानी दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को एक साथ लिखने ना ही हमारा क्या कहलाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको क्या करना है आपको, रो ऑपरेशन लगा के इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है और किसके फॉर्म में चेंज करना है, एक नॉर्मल फॉर्म में के रूप में चेंज करना है और उसके बाद हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके।
अब इसमें हमें क्या करना है, आप देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म का जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वो किस, ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म यानी जो डायगोनल की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। एक ये इसको हम यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और नॉर्मल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म में है ना, यानी हमें ये तो हमारा 1 है, लेकिन इस 1 के नीचे की जो वैल्यू है सेकेंड रो और थर्ड रो है ना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जीरो करना है इसको और इसको। ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, इधर की वैल्यू ये 0 और इसके ऊपर की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तब वो क्या होगा, एक नॉर्मल फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होगा। ओके, तो हम इसमें रो ऑपरेशन यूज करते हैं और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि ये क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए आपका और ये भी 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि R2 के लिए ये हमारा क्या कहलाएगा, R2, ये कॉलन ऑपरेशन क्या है, सॉरी ये रो ऑपरेशन, और ये ऐसे हमारा क्या होगा, कॉलन ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ये फर्स्ट रो और ये हमारा सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये R1, R2, R3। तो हम R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 में हम क्या माइनस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, R2 के लिए ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो R2 माइनस 6 R1 कर देते हैं, यानी हम R1 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और R2 में हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम R3 के लिए करते हैं, R3 हमारा क्या है, 10 है, क्या है ये 10, तो हम R3 के लिए करेंगे R3 माइनस, अब इसमें हम R1 में 10 का मल्टीप्लाई करके इसमें हम क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो एंड R3 के लिए R3 माइनस 10 R1, R3 के लिए R3 माइनस 10 R1, ओके, C इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, R1 तो हमारा सेम एज रहेगा, जैसे है वैसे आप इसको लिखोगे 1 1 1, और इधर आपका क्या है, ये इधर 9 है ना। अब R2 से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, रो ऑपरेशन यूज किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एक नॉर्मल फॉर्म के रूप में चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 है ना। R2 हमारा ये है, ठीक है, अब माइनस 6 और हमें इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, 6 माइनस 6 यानी 0, और ये माइनस 1, ये हमारा R2 है, माइनस 1 माइनस 6 तो क्या हुआ हमारा, माइनस 7, ओके। फिर इसमें ये भी हमारा क्या है, 1 है, 1 माइनस 6 है ना, 1 इसमें हमने 6 का मल्टीप्लाई, ये पूरे R1 में हमारा क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा पूरे R1 में, ओके। तो इसमें हम क्या किए, 6 का मल्टीप्लाई किए, तो 1 माइनस 6 यानी क्या होगा हमारा, माइनस 5 है ना। अब ये क्या है हमारा, 13 है, 13 और इसमें क्या, किसका हम किए हैं मल्टीप्लाई, 6 का, तो 9 6 कितना हुआ हमारा, 54। तो 13 माइनस 54 कितना होगा आपका, 13 माइनस 54 में आप 10 माइनस करोगे तो 44 हुआ, और 44 में आपने 3 माइनस किया तो कितना हुआ आपका, माइनस 41, यानी हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 54 आया, 54 में माइनस, हमने R2 को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, 13 माइनस 54, ये क्या होगा हमारा, 40 माइनस है ना, क्योंकि माइनस की साइन क्या है, ये डिजिट हमारी क्या है बड़ी, इसलिए यहाँ माइनस होगा, ये 41 है ना, तो क्या हुआ हमारा, 41। अब देखिए
अब हमारा R2 तो आ गया, अब क्या कर रहे हैं आर्थिक लिए भी हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। आर्थिक लिए क्या है, R3 माइनस 10 और 1, यानी हम इसमें आप किसका माइनस किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, आर्थिक में माइनस कर देंगे, है ना। तो 10 इसमें 10 का मल्टीप्लाई है, 10 हुआ, 10 माइनस 10 क्या हुआ आपका, 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है 1 और इसमें 10, तो 1 माइनस 10, इसमें 10 हुआ ना 10, तो 1 माइनस 10 यानी क्या आ गया आपका माइनस 9, ओके। माइनस 1 माइनस 1 और ये क्या है आपका माइनस 1, और ये आपकी आर्थिक की वैल्यू है, आर्थिक तो माइनस 1 और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 10 क्या हुआ माइनस 11, ओके। फिर ये 19 और ये क्या हुआ आपका, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 90 हो गया, क्या हुआ 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका 19 माइनस 90 क्या होगा आपका माइनस 71, माइनस 71, ओके। 9 है ना, इसमें हम 90 में 19 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा माइनस 71 आएगा, ओके। हमने दो ऑपरेशन यूज किया, एक R2 के लिए किया और एक आर्थिक के लिए किया। R2 के लिए जब ऑपरेशन हमने यूज किया उसमें मैंने 6 का मल्टीप्लाई R1 में किया तो हमें क्या मिला, ये भी 0 हो गया हमारा, R3 भी 0 हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं आगे हमारा ऑपरेशन क्या यूज होता है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 रखना है, क्या रखना है हमें 1, है ना, हमें यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 कैसे हम लाएंगे, ऐसा कौन सा ऑपरेशन हम यूज करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं R3 के लिए, R3 के लिए करते हैं R3 माइनस R3 माइनस R2 और रिप्लेस क्या कर देते हैं, R3 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, R2 में। यानी जब हम क्या करेंगे R3 में R3 माइनस R2 करेंगे, यानी ये हमारा R3 है और ये हमारा R2 है, ओके। हम इसमें जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यानी वो वैल्यू हमें यही होगी, उस वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर देंगे R2 में, यानी R3 हमारा क्या हो जाएगा R2 और जो R2 है वो क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं C इक्विवेलेंट 1 1 1 और R1 आपका सेम एस रहेगा जैसे है, ओके। 0 अभी इसको आप रिप्लेस मत करिए, अभी आप एक ही ऑपरेशन यूज करिए, है ना। तो -7 -5 और -41, ओके। 0 अब आर्थिक लिए क्या यूज करें, आर्थिक माइनस R2 तो -9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा, तो 9 में 7 जाएगा कितना आएगा आपका -2। -2 क्यों आएगा, क्योंकि क्या है आपका ये डिजिट क्या है माइनस की बड़ी है ना। फिर देखिए ये क्या है आपका -11 है और ये क्या है माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये +5 हो जाएगा, है ना। तो -11 और क्या हो जाएगा आपका +5, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका -6, है ना, -6, ओके। और ये क्या हो जाएगा -71 और ये हमारा आर्थिक वैल्यू क्या है -71 और ये -R2, माइनस माइनस ये प्लस और ये R2 क्या आपका 41, तो +41, तो -71 में +41 करोगे तो कितना आएगा आपका -30, कितना आएगा -30, है ना। अब देखिए इसके बाद करते हैं आप, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, R3 रिप्लेस R2, R3 रिप्लेस R2 यानी जो R3 की वैल्यू है हम वो कहाँ लिख दें या पुट कर दें हम
आर टू में, और आर टू हमारा कहाँ आ जाए, आर थ्री में, है ना। तो सी सी इक्विवेलेंट 1119, है ना। हमारा आर वन सेम एज रहेगा, 0 -2 -6, ये क्या है हमारा आर थ्री है, मैं आर थ्री की वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ। ओके क्यों, क्योंकि हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, आर थ्री रिप्लेस आर टू, है ना। फिर 0 -7 और आर टू जैसा है आप वैसा लिख दोगे, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने यहाँ भी जीरो कर दिया, यहाँ भी जीरो कर दिया, अब हमको क्या करना है, इसको वन बनाना है, क्या करना है इसको वन बनाना है। तो हम ऐसा ऑपरेशन क्या यूज करें कि हमारा वन हो जाए, क्या हो जाए वन। तो हम क्या कर देते हैं आर टू के लिए ऑपरेशन यूज कर देते हैं, क्या आर टू माइनस माइनस टू, आर टू अपान माइनस टू, यानी आर टू में हम क्या कर दें माइनस टू का क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, है ना। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक नॉर्मल फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो देखिए क्या होता है, सी इक्विवेलेंट 1119 0, इसमें माइनस टू का हम डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा, ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ओके और आर थ्री आपका सेम एज रहेगा, जैसे है वैसे सेम एज आप उसको लिख दो, -41। ओके अब देखिए हमने तो यहां पे वन बना लिया, अब हम क्या करते हैं इसके यहाँ भी जीरो हो गए, यहाँ भी जीरो हो गए, अब हमको क्या करना है इसको जीरो बनाना है, क्या करना है इसको। आप जानते ही हो हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी हमारा ये वन है, ठीक है ये भी वन है डायगोनल के फॉर्म में, ये भी वन है, और इसके नीचे की वैल्यू दोनों जीरो हो गई। अब इसमें क्या करना है हमको, इसको जीरो बनाना है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाए कि ये हमारा क्या हो जाए जीरो हो जाए, है ना। तो हम ऑपरेशन इसमें क्या यूज कर देते हैं, आर थ्री के लिए आर थ्री माइनस 7 7 R2, सॉरी प्लस करूंगी, प्लस करेंगे तब क्या होगा ये हमारा जीरो हो गया, जीरो होगा, है ना। ये हमारा आर थ्री है, आर थ्री प्लस प्लस 7 R2, यानी R2 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 7 का, तब जाके क्या होगा ये हमारा जीरो होगा, है ना। तो C इक्विवेलेंट हमारा जो R1 हो सेम एज रहेगा, ये 9, ठीक है ये आपका जीरो ही है, फिर आपका R2 सेम एज रहेगा, जैसे है वैसे सेम एज आप उसको लिख दीजिए 15। आप देखिए आर थ्री के लिए, है ना, आर थ्री प्लस 7 R2, यानी ये माइनस 7, और इसमें आर टू में हम आर टू में क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 7 हो जाएगा, तो माइनस 7 प्लस 7 क्या हुआ आपका जीरो हो गया। ओके फिर आर थ्री में ये भी है माइनस 5 प्लस, ये क्या होगा इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 माइनस 5 यानी कितना होगा आपका, कितना होगा 16। ओके फिर क्या है हमारा माइनस 41, यानी आर थ्री ये भी है तो माइनस 41, अब इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, है ना, तो कितना होगा 105 होगा, 105 में हमें किसका माइनस करना है 41 का, किसका 41 का। तो हम क्या करते हैं 100 में हम क्या कर देते हैं 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, है ना, 60 में ये 105 है, तो हमने 100 में 40 माइनस किया था, इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, 65 प्लस 5 ऐड किया तो हमने
65 हुआ। अब 65 में हम क्या कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 64, यानी वहां क्या होगा हमारा 64 हो जाएगा। ओके क्या हुआ 64। आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, यहां 1 करना है। क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म को आप देखेंगे कि हमारा क्या है 1 है ना, 0 0 0 यानी डायगोनल हमारा क्या है 1। तो यहां भी हमें क्या करना है 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे R3 के लिए, क्या करेंगे R3 डिवाइडेड 16 है ना, R3 में क्या डिवाइड कर देंगे 16 डिवाइड कर देंगे, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो C कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 9, R2 हमारा सेम एज रहेगा, कोई चेंज नहीं करनी है उसमें। R3 में क्या हो जाएगा, हमने क्या डिवाइड किया है 16 का डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, और ये क्या हो जाएगा 64 अपॉन 16, तो क्या हो जाएगा हमारा 4। ओके आगे देखते हैं, आगे देखिए जो हमारा क्या आया मेंटेन मैट्रिक्स आया, ये आया। अब क्या करना है हमें, डायगोनल के नीचे की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, अब डायगोनल के ऊपर की वैल्यू भी हमको 0 करनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या होगा नॉर्मल फॉर्म में ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चेंज होगा है ना। तो अब देखिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करें कि क्या हो जाए हमारा ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए। ओके तो आगे जो ऑपरेशन यूज होगा वो ऑपरेशन क्या होगा आपका, रो ऑपरेशन आपको यूज करना है। तो हम क्या करते हैं R2 के लिए करते हैं, R2 है ना, अब हमको क्या करना है इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो R2 के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे 3R1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3R3 है ना, हम इसमें R2 में R3 को माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके हम इसमें माइनस कर देते हैं, किसमें R2 में, तो ये 0, ये तो 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0, ये भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया है ना। तो R2 के लिए R2 माइनस 3R3 है ना, तो C इक्विवेलेंट R1 हमारा सेम एज है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए जैसा है वो है ना। अब R2 के लिए हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा है ना। तो 0 0 माइनस 0 है ना, 0 R2 माइनस 3, 0 में 3 का मल्टीप्लाई आएंगे तो 0 हो गया, तो 0 ही होगा है ना। फिर क्या है हमारा 1 है, 1 माइनस, अब 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ क्या होगा आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है R2 3 है, 3 माइनस 3 इंटू R1 यानी 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ओके फिर R2 क्या है आपका 15 है, क्या है 15 और R3 में हम क्या कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई यानी 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 4 में 3 का मल्टीप्लाई तो 12, तो 15 माइनस 12 क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और R3 को आपको सेम एज लिख देना है जैसे आपका है। ओके हमारा डायगोनल के नीचे की वैल्यू 0 हो गई, हमारा ये भी 0 हो गया, हमारा ये भी 0 हो गया। अब इसको भी 0 करना है, किसको 0 करना है इसको है ना। तो R1 के लिए ऑपरेशन लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये आपका पूरा क्या है R1 है, R1 हम क्या माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाए ये 0 हो जाए, R1 माइनस क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस हम कर देते हैं क्या R3 है ना, R1 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा C equivalent 1
वन माइनस वन है ना, ये आर वन और ये हमारा आर थ्री, तो वन, ये तो वन माइनस जीरो वन ही हुआ, वन माइनस जीरो वन ही हुआ, वन माइनस वन क्या हो गया आपका जीरो हो गया, और नाइन माइनस फोर क्या होगा आपका, नाइन नाइन माइनस फोर फाइव है ना। आर टू को आपको सेम एज लिख देना जैसे है आपका, आर थ्री को भी सेम एज लिख देना जैसे है, ये आपका फोर। ओके, अब देखिए आप देख रहे होंगे कि ये हमारा तो डायगोनल है ना, इसके नीचे की वैल्यू जीरो हो गई है, अब डायगोनल के ऊपर की वैल्यू, तो ये भी जीरो हो गया आपका, ये भी जीरो हो गया, अब किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तब जाके ये क्या होगा आपका नॉर्मल फॉर्म में चेंज होगा है ना। तो एक ऑपरेशन हम और यूज कर लेते हैं, एक ऑपरेशन आपको क्या यूज होगा है ना, हम R1 के लिए क्या कर देते हैं, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 वन ही हुआ, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। तो ऑपरेशन हम यूज करते हैं किसके लिए, R1 के लिए, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, C इक्विवेलेंट वन, ओके, वन माइनस जीरो यानी वन, वन माइनस वन यानी जीरो, और ये जीरो आपका है, जीरो माइनस जीरो जीरो, और फाइव माइनस थ्री यानी आर वन में आप क्या माइनस कर रहे हो आर टू, तो फाइव माइनस थ्री क्या हो गया आपका टू हो गया। ओके, आर टू और आर थ्री को आपको सेम एस लिख देना जैसे आपका है, जीरो वन जीरो 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 वन थ्री फोर। अब आप देखोगे कि इतना इतना ये जो है हमारा ये किसके फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है ना, आप देख लोगे कि जो नॉर्मल फॉर्म होता है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन है ना, आप देखेंगे कंपेरिजन करेंगे तो सेम एस क्या है हमारा एक नॉर्मल फॉर्म के, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था वो हमारा किसके फॉर्म में चेंज हो गया, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हमें x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी है ना, तो इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में है ना, तो a क्या है हमारा, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, x क्या है आपका x, y और z, b क्या है आपका b, ये है ना 2 3 4, आपने स्टार्टअप में लिखा होगा है ना, c इक्वल टू ए बी, यानी a और b की वैल्यू को एक साथ लिखा होगा आपने, तो a हमारा अब क्या हुआ है चेंज हो गया है, यानी जो पहले हमारा जो a की मैट्रिक्स थी वो अब किसमें चेंज हो गई है, नॉर्मल फॉर्म में, अब जो a की वैल्यू होगी, जो a का मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा है ना, और x हमारा क्या है, x y z है,